जय जगन्नाथ। हम लोग आज असेंबली करने वाले हैं किर्लोस्कर वाइनेसी फोम मोटर। आप लोग देख सकते हो ये वीडियो में हम लोग कैसे असेंबली करते हैं। वाइंडिंग हो गया है हमारा वाइनेसी मोटर, अभी हम लोग असेंबली करेंगे। इसमें लगेगा 6204 का दो बेयरिंग और 90mm का एक वाटर सेल। ये किर्लोस्कर से हम लोग मंगाए हैं ओरिजिनल का। ये है बेहतरीन फिटर, ये सभी फिटिंग करेगा ये मोटर को। सभी क्लीन कर रहा है अभी, ये जो क्लीन कर रहा है ये इम्पलर है। ये सभी असेंबली है उसका, सभी पार्ट्स। ये है ऑयल सील का बेस। हम लोग ये बेस निकाल के दूसरा बेस डालेंगे क्योंकि ये बेस से वाटर लीकेज कर रहा है। पहले सभी असेंबली फर्स्ट क्लीन करके बाद में ये सभी सील वील डालिए। ये देखिए ये इसका बेस है और ये 90mm का वाटर सील है। पहले बेस फिटिंग करिए और इसको करने का टाइम थोड़ा भी क्रैचेस नहीं आना क्योंकि उसमें वाटर लीकेज हो जाएगा। बाद में शाफ्ट में दो बेयरिंग मार देना। आपका पास हाइड्रोलिक है तो हाइड्रोलिक में प्रेस करना, नहीं तो हमारे और एक रॉड का माध्यम से आप मार सकते हो बेयरिंग को। ये है आनाबंड जो बेयरिंग फास्टनर होता है। ये है रबर, एक वाटर स्टॉपर है उसको। अभी वाटर स्टॉपर सेंटर में देने से क्या होता है ना, वो वाटर जो लीकेज होगा वो अवॉइड करने के लिए। अभी बेस फिटिंग हो गया, अभी रोटर भी फिटिंग कर दिए हैं। अभी थोड़ा सील का बेस में थोड़ा ग्रीस डाल के हम लोग सील फिट कर देंगे क्योंकि ड्राई रन होने से क्या होता है ना, सील चला जाता है। ग्रीस थोड़ा सा रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा सील को, इसीलिए हम लोग थोड़ा ग्रीस डालते हैं। अभी इसमें एक प्रेशर डालेंगे और सील बाहर नहीं आने के लिए। अभी इसमें की मार के बाद में इम्पलर डाल देंगे। अभी इम्पलर का एक नॉट आता है उसमें लगा के उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए क्योंकि इम्पलर लूज रहेगा तो वो कट हो जाएगा। अभी थोड़ा घुमा के देख लिए पी है क्या नहीं। अभी गैसकेट में थोड़ा ग्रीस डाल दीजिए क्योंकि वाटर लीकेज नहीं होने के लिए। अभी उसका थ्रोल इसमें फिट हो जाएगा और इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए क्योंकि वाटर लीकेज नहीं होने के लिए। फिट होने के बाद थोड़ा घुमा के देखिए किधर टच हो रहा है क्या हो रहा है। तो होने के बाद आपका हो गया पंप, सर्विस हो गया इसका। अभी इसमें मोटर फिट हो जाएगा। ये इसका टर्मिनल, हम लोग जो लीड आता है अंदर से तीन लीड इसमें हम लोग फिट करेंगे। ये है लॉक्स, लॉक्स मारने का काम यही है कि इसको लूज कंटेक्ट नहीं होना और स्पार्किंग होके ब्लास्ट नहीं होने के लिए हम लोग लॉक्स मारते हैं। अभी हाँ हो गया, अभी खींच के देख रहे हैं क्योंकि बाहर नहीं आने के लिए। अभी टर्मिनल फिटिंग होने के बाद हम लोग मोटर असेंबली कर देंगे। करने के बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे बाद में। अभी देख सकते हो ये अच्छे से टाइट हो गया है। अभी इसमें रोटर का अंदर जाएगा तो आप लोग थोड़ा देख के केयरफुल डालिएगा क्योंकि वाइंडिंग में टच होगा तो वायर कट हो जाएगा, इसीलिए। ये देखिए आना बट हम लोग डाल के अभी एंड कवर पीछे बैक साइड में हम लोग मार देंगे। ये देखिए मार दिए हैं अभी। अभी ऐसा करके आप लोग नॉट बोल्ट सभी टाइट कर दीजिए अच्छे से। अभी हम लोग एक बैक साइड में एक फ़ैन डालेंगे मोटर को कूलिंग करने के लिए। ये PVC फ़ैन डाल के अभी थोड़ा सा घुमा के देखिए कितना टाइट है, क्या हो रहा है, किधर टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी इसका फ़ैन कवर लग गया है। अभी फ़ैन कवर लगने के बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे, अभी रन करके चेक करेंगे पानी उठा रहा है नहीं उठा रहा है। ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है, अभी ओनली टेस्टिंग बाकी है इसमें। अभी इसमें पानी डाल के चेक करना क्योंकि इसमें ड्राई रन नहीं करना, उसमें सील चला जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के टेस्टिंग करना। अभी पानी डाल रहा है, थोड़ा आराम से डालेगा क्योंकि लीड को टच नहीं होने के लिए। अभी हो गया है। अभी हम लोग सेफ्टी के लिए कार्टून बोर्ड डाले हैं। डालने के बाद हम लोग रन करेंगे। अभी देख सकते हो पानी ऊपर आएगा। अभी ये देखिए हमारा टेस्टिंग हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।